तो यहाँ देखो पूरी किचन मेरी क्लीन है और यहाँ मैं पानी भर के रखती हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पे मैं पानी भर के रखती हूँ क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो फटाक से डाल लेती हूँ, तो ये मेरा भर के रहता है ये बॉटल भी, क्योंकि अब फ्रिज में तो नहीं रखते हैं क्योंकि ठंडा पानी की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे भर के रखती हूँ पीने के लिए और ये खाना के लिए बना भर के रखती हूँ, तो इससे मैं खाना बना लेती हूँ, जब भी खत्म हो जाता तो भर के रखती हूँ इसको मैं। और यहाँ निकाला है मैंने बेसन, तो आज इसको मैं भरूंगी डिब्बे में, क्योंकि पहले भरा था तो वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं एक हट्टा लेके आती तो मेरी एक बड़ी सी बाल्टी है, कभी शेयर करूँगी, जो ये बिल्कुल इनका पानी बिल्कुल नहीं है इनमें, तो मैं सब्जी जब भी ज़्यादा आ जाती धो के साफ करके जब जाके मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, ऐसे ही नहीं रखती बिल्कुल भी, तो मेरा तो यही रूटीन है कि अगर सब्जी आएगी तो धुल के अंदर जब जाके फ्रिज में जाएगी। और यहाँ मेरी सिंक साफ़ हो गई है, सिंक हमेशा साफ रहती है ना तो बहुत अच्छा, अगर गंदी सिंक रहेगी ना तो स्मेल भी आती है, और बर्तन में जब भी बर्तन साफ करती हूँ तो हमेशा एक सिंक में जरूर साफ करती हूँ, तो देखो मेरी सिंक बिल्कुल क्लीन है, आपको कहीं भी गंदा नहीं लगेगी बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं अपना वाइपर रखी हूँ, इससे मैं अपनी किचन को जो बर्तन धो के रख देती हूँ तो पानी हो जाता है तो इससे साफ कर देती हूँ, और एक ब्रश भी रखा है कुकर साफ करने के लिए, और ये पोछा मेरा बस किचन ही साफ करती हूँ इससे, मैं स्लैब साफ करती हूँ बाकी नीचे भी नहीं लगाती मैं इससे, खाली स्लैब साफ करती हूँ तो बस, और जो नीचे का पोछा है वो अलग है, ये किचन का ही मेरा पोछा है तो इसको मैं स्लैब पे ही यूज करती हूँ। और आप भी अगर एक ही पोछे से लगाते तो ना लगाएं, क्योंकि मैं इसलिए अलग करके रखी हूँ क्योंकि मैं ना स्लैब पे रोटियां बनाती हूँ, तो इसलिए मैं इससे और कहीं पोछा नहीं लगाती हूँ, खाली स्लैब पे ही लगाती हूँ बस, और नीचे के लिए पोछा अलग है। तो चलो मैं लगा लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ क्योंकि अभी मुझे बनाना है चाय और ब्रेकफास्ट। राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कान्हा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई छोटू सा ब्लॉग, तो अगर मेरा छोटू सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करना, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। तो पीछे मेरी बन रही है चाय, तो आज मेरे घर में आए हुए हैं गेस्ट, तो उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो चलो कर लेती हूँ मैं तैयारी, तो आपको दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, एकदम प्रॉपर नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, तो चलो एंजॉय करना ब्लॉग को, और मुझे अभी और भी काम करने हैं। फ्रेंड्स, मुझे ना वीडियो एडिट करना इतना मुश्किल काम है ना कि बस पूछो मत ही, क्योंकि मैं जब भी एडिट करने जाती हूँ ना तो कभी पीछे से ना इतनी आवाज़ आती है, आप सबको भी पता ही होगा कि कभी कोई सब्जी वाला आता है, कभी कोई आता है, लेकिन क्या करूँ, तो तभी मुझे वॉइस करनी पड़ती है बाद में, फिर भी मैं नहीं कर पाती, फिर भी कोई ना कोई मतलब पीछे से आवाज़ आती होगी, आपने नोटिस करा होगा, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो चलो मैं बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि मेरे घर में आए हैं गेस्ट, मैंने आपको बताया ही, तो चलो चलते हैं। मैंने नहा लिया और मेरा सारा काम हो गया, कान्हा को मैंने दूध दे दिया और पूजा भी मेरी हो गई, अभी बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी मैं ढोकला और भी अगर कहीं कुछ भी ढोकला बनाऊंगी, बस इसके सिवा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कोई घर में आया हुआ है तो मैं सोच रही थी एक चीज़ और बना देती हूँ ढोकले के साथ में, तो देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं, नहीं तो ढोकला तो पक्का ही है बनाना और खाना भी बनाना है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं जबे, तो जबे को जबे भी बोलते हैं, नमकीन सिमैया भी बोलते हैं, लेकिन मैं तो नमकीन सिमैया बोलती हूँ, और ये मार्केट वाली नमकीन सिमैया होती है, कई लोग घर में भी बना लेते हैं, तो ये तो मार्केट वाली है। और एक साइड मेरा ढोकला भी बन रहा है, तो ढोकले की रेसिपी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर फ्रेंड्स, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो एक बार चेक ज़रूर करना, बहुत स्पॉन्जी ढोकला बना हुआ है मेरा और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, तो लिंक मैंने दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो चेक ज़रूर करना ढोकले की रेसिपी। तो देखो यहाँ मेरा ढोकला बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना हुआ है, तो अभी इसमें तड़का
हमारा ढोकला बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, आपको दिख ही रहा है। और बिल्कुल ये खाने में बहुत यम्मी लगता है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना इस वाली रेसिपी को। तो यहाँ मेरा ढोकला भी बिल्कुल तैयार है, अभी मैं प्लेट्स लगा लेती हूँ, एक साइड मेरी चाय भी बन रही है। तो इसको मैंने कट भी कर लिया, बहुत स्पॉन्जी बना था फ्रेंड्स, देखो आपको दिख ही रहा होगा एकदम कितना बढ़िया जाली पड़ा है अंदर। और इसमें जो हम तड़का बनाते हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, उससे बहुत जूसी जूसी बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने अपने कान्हा जी के लिए ढोकला दे दिया है, क्योंकि मेरे घर में कोई चीज़ बनती है तो सबसे पहले मेरे कान्हा के लिए होती है। की भी रेसिपी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो एक बार चेक ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने सारा कुछ डाल दिया, कुकर लगा दिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा खाना बनके बिल्कुल तैयार हो गया, और खाने में तो मैंने बताया ना आपको बस दाल चावल ही बनाना है, क्योंकि नाश्ता बहुत हैवी हो गया था तो इतना ज़्यादा खाने का मन नहीं है। तो यहाँ पे मेरा सलाद भी बनके तैयार हो गया, और यहाँ पे बनाई है मैंने दाल फ्राई, तो दाल भी तैयार हो गई है मेरी, और बनाए जीरा चावल। तो जीरा चावल खाने में मुझे बहुत पसंद है, तो जीरा चावल की भी रेसिपी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर, देखो कितने अच्छे बने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी जो नई नई रेसिपी या ब्लॉग जो भी आएगा